मुंबई की कांदिवली में अंधविश्वास के चलते बेटी की इज्जत और साथ ही साथ जायदाद से हाथ धोना पड़ा। दरअसल घटना 2011 की है। पीड़ित की प्यारा सा प्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि वसई में थी, पीड़ित मामा के भांजे अंकुश संदीप पान शेट्टी ने एनसीपी के पूर्व मंत्री संदेश कोंडविलकर और साधु देव पुरुष अप्पा के साथ मिल पूरा षड्यंत्र रचा, जिसमें सबसे पहले अंकुश ने साधु और मंत्री को अपने मामा से मिलाया और उनकी पुरानी कंपनी बंद कराकर आरोपी अंकुश ने नई कंपनी अपने नाम से शुरू करवाई। इसके बाद पीड़ित के घर मंत्री और साधु का आना जाना लगा रहता था। देव पुरुष अप्पा साधु और मंत्री के कहने पर अपराधी अंकुश अपने साजिश को अंजाम देता रहा। पीड़ित को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका भांजा अंकुश उनके साथ विश्वासघात कर रहा है। इतना ही नहीं, कई बार अंकुश अपने आप को बड़ा मंत्री बताता। अंकुश ने पीड़ित मामा को पुत्र होने का लालच देकर उनकी पत्नी और 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को पुणे ले गया और वहां काला जादू कर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। इससे पहले भी अंकुश अपने पीड़ित मामा की इकलौती बेटी के साथ बलात्कार कर चुका था। जब आरोपी अंकुश को लगा कि किए गए साजिश का पर्दाफाश होने वाला है, तब वह अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया और कंपनी के अपने एमडी पद से उसने इस्तीफा दे दिया। तकरीबन 3 साल बाद नाबालिग लड़की ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात अपने माँ से कही। पूरी घटना की जानकारी पीड़ित परिवार ने चारकोप में दर्ज कराई। लगभग 25 दिनों बाद पुलिस द्वारा मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी अंकुश को उसके ससुराल जालन से गिरफ्तार किया। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि एनसीपी के पूर्व मंत्री संदेश कोंडविलकर, जो कि चारकोप पुलिस स्टेशन के सामने ही रहते हैं, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी मंत्री को जब पता चला कि मामले की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो उसने अग्रिम जमानत की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि इन आरोपियों को उनके किए की सजा कब तक मिलती है।